we both of us, we work together on many shows across many channels, and so far, you know, whenever we work together, the show has been successful. Hopefully this one also will be successful. Dada, you've seen him in various other genres. After a lot of requests, that we've kind of, you know, team of. Baki cheez bhi to bol de. Idhar mein ruk kyun gaya? Kya request hai dada? फिर दादा ने क्या कहा, ये नहीं कहा, तो मैंने ये कहा कि इतनी अच्छी दोस्ती है हमारी, कहाँ फंसा रहा है भाई। एक डांस जॉनर है, ठीक है, समझ में आती बातें, एक दो तीन चार समझ में आती, कहाँ लय छोड़ा किसी ने, कहाँ चोरी की है किसी ने, मिस कर दिया किसी ने, लेकिन ये जॉनर ऐसा है कि आई एम वेरी नर्वस, जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, बिकॉज यहाँ जितने कलाकार हैं वो सभी माहिर हैं एंड दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ वेरी वेल। सो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने। मैं हूं शंभू दादा। अब ये शंभू दादा कौन है? मैं हूं शंभू दादा, ये ड्रामा कंपनी बनाई मैंने बहुत ही निकम्मे लोगों के साथ। ये हर हफ्ते सैटरडे संडे रात के 8 बजे आपके सामने एक नाटक पेश करेगा। ये कितने अच्छे एक्टर हैं ये तो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये गलती करेगा करेगा करेगा। और मैंने ये सोचकर इन लोगों को लिया है क्योंकि इसके पीछे मेरा भी एक कोई मतलब है, मतलब के बगैर तो दुनिया नहीं चलती। ये मेरा एक बिजनेस, किस तरह के बिजनेस के आप पैसे देकर टिकट खरीदेंगे, शो देख कर मजा लेंगे, और मैं वो जो आप टिकट खरीदेंगे उसका मजा लूंगा, माल मैं कमाऊंगा। मैंने इन्हें ये ढोंस दिया है कि मैं तुम लोगों ने अगर बिना गलती के जिस दिन शो ठीक कर दोगे मैं तुम्हें दुनिया का सैर कराऊंगा, अराउंड द वर्ल्ड इन $5। और मैंने उन्हें ये भी बताया है कि देखिए मैं अपने आप को फेंकू नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं हूं बहुत ही लंबा। मैं उनको ये बताया है कि दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी नामचीन नहीं है जिन्हें मैं नहीं जानता, वेदर इट इज मेसी टू रोनाल्डो टू डोनाल्ड ट्रंप टू पुटिन टू थेरेसा मे टू एनीबॉडी। तो मैंने इनको बताया जिस दिन तू शो ठीक कर लेगा मैं वीजा लगाऊंगा और तुम लोगों को सैर करवाऊंगा। सो दैट्स बिकॉज ऑफ दैट दे आर विथ मी, they are going to perform। लेकिन ये किस तरह के एक्टर्स है ये आप ही को जज करना है शो देखने के बाद। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं झूठ नहीं बोलता, इतना सच बोलता हूं कि कभी कभी सच भी मुझे देख के भाग जाता है। That is Shambhu Dada. Anyways, now I'll introduce you my actors. You, Mr. Krishna and Sudesh. जोड़ी बहुत फेमस है। सबसे पहले इस खामोशी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, अब भी ताली नहीं बजाई आपने, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। देखो क्या है? मेरा सुनकर मोहित हो गए थे तो अभी तक उस डेज में दादा नहीं कहा ना, शंभू दादा, ये मिठुन दाई है ना, इसीलिए थोड़ा बहुत होता है। एनीवेज, ये दोनों बहुत फेमस है ऑलरेडी, लेकिन ये जोड़ी हमारी ड्रामा कंपनी में, इस ड्रामा कंपनी में क्या करेंगे और क्या करने जा रहे हैं ये फैसला आप पे छोड़ूंगा, क्योंकि है तो दोनों एक नहीं, है तो दोनों अलग अलग जी लेकिन आपको लगता है एक है ना। ये जोड़ी आपने तोड़ दी दादा, ये तो हमेशा कोई कोई हमारा अलग अलग नाम नहीं लेता ना, कृष्णा सुदेश, लोग कृष्णा सुदेश ही कहते हैं, मतलब इनका बेटा भी मार्केट में जाता है ना अमृतसर में, लोग कहते हैं वो देखो कृष्णा सुदेश का बेटा जा रहा है तो अलग अलग तो नाम वो भी बताना है, जो कश्मीरा शाह वो भी मंदिर में जाके यही कहती कब शादी होगी मेरी कृष्णा सुदेश से, कब सुहागरात लाऊंगी दोनों से, ये भी बोल अभी मुबारकबाद दे, जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है इसमें भी मेरा ही नाम लगाएगा ये गतिया करना
दादा दादा अगला बुला लेते हैं नहीं तो हाँ वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करेंगे इसका तो अंदाजा अभी लगा लीजिए. सेकेंड मैं जिन्हें बुलाऊंगा वो है संकेत संकेत भोसले. आओ बाबा आओ कैसे हो. बहुत बढ़िया थैंक यू. संकेत नेचुरली संकेत नाम दिया है तो कुछ ना कुछ तो संकेत दे ही देगा. पर हमारे इस जमा में क्या संकेत देगा इस देखने के लिए मैं भी बैठा हूं क्योंकि बात यकीन दिलाता हूं कि जितना टैलेंटेड ये लड़का है कि डेफिनेटली कॉमेडी की दुनिया में कोई ना कोई संकेत लेके ही आएगा. थैंक यू सो मच. तुम कुछ बोलना चाहते हो. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम आई लव माई कंट्री and I respect the Honorable Supreme Court. Thank you. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे characters हैं actors हैं जो इस drama company के पात्र बनते हुए आपको नजर आएंगे. और of course दादा का आशीर्वाद है. दादा के आशीर्वाद मतलब बोल के मैं दादा को agent नहीं बनाना चाहता. नहीं मैं सुनना चाहता हूँ तो आगे बोलो. हमारे शंभू दादा है जिनके सपोर्ट से ये ड्रामा कंपनी चलेगी. ये उनकी कंपनी है एंड इनसे हर वक्त हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. दादा की कॉमिक टाइमिंग ले लो दादा का एक टीचिंग ले लो फॉर एक्टिंग ले लो हम हर तरीके से दादा से सीख रहे हैं एंड आपके सामने एक वंडरफुल प्रेजेंटेशन देंगे. आप देखना ना भूलिए 16 जुलाई से शाम को 8 बजे सोनी टीवी पर. थैंक यू. अभी मैं बुलाऊंगा आप डेफिनेटली जानते होंगे सायरन. यस तानाजी 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 जिंग जिंग जिंगा राइट राइट सर. अभी तानाजी का क्या है. तानाजी को तो आप देख चुके हैं बता इज अ फैंटास्टिक एक्टर इस मतलब कोई डाउट ही नहीं है. लेकिन हमारे प्ले में इसके आगे मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है. मैं इसको बोलता हूँ लेकिन तानाजी इनका पूरा नाम. ये लेकिन क्यों बोलता हूँ ये शो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा क्योंकि ये कुछ ना कुछ करेगा ही जिसमें आपको लेकिन डालना पड़ेगा. लेकिन इसने क्यों किया. लेकिन इसने क्यों कहा. लेकिन ये क्यों करेगा. मिस्टर लेकिन तानाजी जोर से ताली हो जाए लेकिन तानाजी. थैंक यू. अब बारी किसको बुलाया जाए. कृष्णा आप भूल आप देखिए क्या है. दादा एक काम करते हैं अभी लंबा 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 बोलते बोलते कभी कभी ज्यादा ही लंबा हो जाता है. भाई बोला देखिए क्या हुआ कि मैं सोचा कि इतने सारे एक्टर्स हैं एक खूबसूरत सी गुड़िया जिसकी आवाज सुरीली हो बहुत टैलेंटेड हो ऐसी मुझे लड़की चाहिए. मैं ढूंढने निकला कि ये मिश्रण मुझे कहां मिलेगा. तो मुझे मिश्रा मिल गई. चलिए बुलाते हैं सुनंदा मिश्रा. सुगंधा मिश्रा. सुगंधा मिश्रा. अभी आप मुझे पूछेंगे कि मैंने गलती की है कि सुगंधा के बदले में सुनंदा क्यों बोला. बिल्कुल नहीं 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 सुनंदा फिर भी ठीक है दादा. लोग तो सुनगधा और सुगधा क्या क्या बोलते. सुनंदा फिर भी ठीक है. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे स्क्रिप्ट में है क्योंकि अगर सुनंदा नहीं कहूँ तो ये जो जो नाम ले रहे हैं ये सब उनको इसी नाम से बुला रहे हैं. पर मैं नहीं बुलाता हूँ. लेकिन एक आपने अच्छी बात बोली पीछे मैं खड़ी थी आपने बोला जो बहुत खूबसूरत है तो हमने रिद्धिमा और पीछे हमने कहा कि कौन तू है मैं हूँ तो उसने बोला नहीं मुझे. मैंने कहा मैं नहीं हो सकती क्योंकि मुझे अपने नाम के साथ खूबसूरत सुनने की आदत नहीं है. इसलिए मैं थोड़ी लेट हो गई आने में. हाउ स्वीट यार. तो क्यूट चीज. चलिए बुलाते हैं और एक हमारे मतलब स्पेशलिस्ट हैं अरु को बुलाते हैं. अरु को देखने के बाद आपको पता चलेगा एक दुबला सा लड़का आपको देख के लगाया लगेगा कि बहुत दिनों से खाना नहीं खाया और इस प्रोडक्शन में उसको खाना नहीं दिया जाता है क्योंकि शर्मू दादा सब कंट्रोल करते हैं कि इतना नहीं खाना इतना नहीं खाना इतना नहीं खाना. चलिए
दुबला पतला सा एक लड़का है, अरुण प्लीज कम इन। ये अरुण जो हमारे साउंड्स और लाइटिंग संभालते वहां बैठ के, सुना है कि साउंड्स के बारे में इनको बहुत जानकारी है, लाइटिंग के बारे में जानकारी है। अब मुझे ये देखना है कि वहां बैठ के ये शौक खाता है या किसी को शौक देता है, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन चैलेंज करता हूं, ये कोई काम सही कर ही नहीं सकता क्योंकि सारा टाइम उसको खाने पे चला जाता है। शौक भी तो खाते हैं। क्या खाता है तुम? शौक। शौक खाते हो? तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा है माइक? खा गए माइक? माइक क्यों नहीं चल रहा भाई? क्योंकि तुम माइक वाले हो, मैं चलाना नहीं आता। बटन ऑन करना फॉल्ट होगी अभी, थोड़ी अभी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब बुलाते हैं जिन्हें आपने देखा है, बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जिन्हें आपने हर वक्त रोबोट के हिसाब से देखा है, लेकिन वो एक इंसान है, खूबसूरत सी लड़की है, इंसान है, वो भी हमारी डमा कंपनी में, डमा कंपनी के और एक हसीन किरदार रिधिमा। आप देखिए, आपने तो देखा होगा रोबोट, लेकिन यह रोबोट नहीं है, एक और नई नई चीजें लेके आती हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप हंसेंगे और इनकी गलती से रोएंगे, है ना? या कोशिश तो वही है। आप कोशिश भी करती है कुछ बोलो, बोलना है तो बोला है कि थैंक यू सो मच आप सब यहाँ आए हैं। एंड मुझे बस यहाँ पर इन सबके साथ स्टेज शेयर करने में ही जो थ्रिल मिल रहा है वो मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ इन वर्ड्स, एक्टिंग करके दिखा दूंगी। वाओ वाओ, द फर्स्ट टाइम शी इज गोइंग टू एक्ट नाउ राइट नाउ। थैंक यू। अब हम बुलाते सभी के चाहते एंड यू नो एवरीवन, अली असगर। आप अली को आपने देखा होगा कभी लड़का बनते हुए, कभी लड़की बनते हुए, बड़ा थोड़ू अली आप क्या दिखती हो? मैं अभी बोलने वाला था दादा, थैंक यू फॉर द मैनली एंट्री। तो अभी भी मैनली एंट्री दिया तो मैंने। क्या दिखती हो बोल के आपकी आंखें कुछ और बोल रही है दादा। देखो मैंने ये कहा कि तुम बहुत सुंदर लगती हो जब लड़की बनती हो। अच्छा। और तुम्हारे जो वो नशीले आंखें, अच्छा। जो लिप वाइटिंग तुम्हारी आंखों में जो वो आती है, आप समझे अंदर से जो अब वो सामने आप बैठते हो तो यही होता ना। अच्छा, सर कुछ बोलना है तो बोलो। नहीं बस यही कहूंगा कि 16 जुलाई से प्लीज देखिएगा, शनिवार और रविवार को रात 8 बजे द ड्रामा कंपनी ओनली ऑन सोनी। हमारा काम खत्म भाई, ठीक बोला ना सर? हमारा काम खत्म, आपका शुरू। वो जो नानी उधर भी बैठी हुई है, ठीक बोला ना? थैंक यू। सिर्फ तांबे जी का यहाँ नहीं होगा, पूरा जो प्रोडक्शन है सब ग्रैंड मदर नानियों की है, और एक एक इतनी कड़क है दादा, आप डोंट बिहेव लाइक दिस। बोलो क्या भाई, मैंने क्या किया? सब नानी तो पूछना पड़ता है ठीक किया कि नहीं। अभी आप अपने सवाल क्या करूँ? फोटो फोटो मारू इसको। अच्छा नजदीक आ जा भाई। आशीष सर को जाना? आशीष सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो फोटो आपने ली है वो प्रेस में नहीं देना, नहीं ये फोटो बहुत जरूरी है, माल यहाँ से आता है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, वी हैव बीन सुदेश जी और मैं तो चलो बात ही अलग है, लेकिन अली भाई के साथ में कॉमेडी सर्कस काम किया है और सोनी से ही हम लोगों की शुरुआत हुई। और बिल्कुल यू नो आई थिंक आई फॉरगॉट टू से दैट, बट आई थिंक यू नो कॉमेडी सर्कस एंड सोनी, आई मीन कॉमेडी सर्कस इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेनी शोज दैट वी हैव डन,
But you know, comedy as a genre, I mean, Sony has been fountainhead for you know, all the talent that you see today in the comedy genre. You know, I feel like some kind of a reunion because abhi jitne log comedy circuit se bahar gaye the, sab bhi Sony mein wapas aa gaye. So wo deja vu hota hai sir, rehearsal karte karte bhi hota hai. So thoda reunion party bhi hum log plan karne wale hain bahut jald. Baki log bhi aayenge. Nahi honge. Nahi nahi. Comedy circus days yaad aate hain. It's a stressful life and specially actors ki life. To kya mic band hai kya? Nahi chal raha hai. Actors life at least very stressful life. But यहाँ के बैठ के जो मैं enjoy करता हूँ and I go back home and I share it. और जब मैं उन्हें हंसता हुआ दिखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी हमने काम करके आए हैं अच्छा काम किया, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं. खाली मैं उनको बताता हूँ आज इसने ये किया है, आज इसने ये किया है. तो I have a feeling, that feeling है कि it should do well. और आपका सवाल है कि definitely as long as I sit there, शम्भू दादा एंजॉय करता है, बहुत एंजॉय करता है. और एक बात बता दूं कि एक ऐसा शंभू दादा है जो बाकी बातें बताई इनको नहीं बताना प्लीज, इनको नहीं मालूम वो जो वीजा के बारे में. बट मैं लंबा फेंकता नहीं हूँ, इनको लगता मैं फेंकता हूँ. फेंकता हूँ क्या? हा? नहीं ना. हाँ 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 हाँ, दैट्स व्हाट्स योर आंसर कि दे कीप मी लविंग ऑल द टाइम. They make me busy. Thank you. देखो भाई, actually ये इनका नहीं था. इन्होंने कहा था कि मिथुन दाई बैठेंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, दादा कहने से बहुत पर्सनलाइज हो जाएगा. इससे ड्रामा कंपनी, अगर ड्रामा है तो मैं भी उनका हिस्सा बनना चाहता हूँ. तो इसीलिए मैंने अपना नाम इसमें शंभू दादा कर दिया. अगर मैं बोलूँगा कि मिथुन दादा ये कह रहा है कि ये लंबा फेंकू है तो आपको ये यकीन नहीं आएगा, लेकिन शंभू दादा हो सकता है ना, कि जैसे ये पढ़ते प्रदीप प्रदीप दादा. अरे भाई हम तो वही कह रहे हैं, प्रदीप कह रहे हैं. तो ये सब चीजें जो है ना ज्योति भाई, तो जब तक मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा तब तक ये शो आपको लगेगा कि बहुत मिथुनदा और ड्रामा कंपनी के बीच में एक पर्सनलाइज हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता था. इसलिए मैंने उनको सजेस्ट किया कि इसको मिथुन दादा से हटा के शंभू दादा कर दीजिए. एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज वहाँ स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट के साथ टाइमिंग तो हर जगह सेम, वहाँ भी सेम यहाँ भी सेम. वहाँ यहाँ यहाँ आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं बहुत शार्प होनी चाहिए, बट इफ यू मिस इट यू मिस्ड इट. कॉमेडी कोई बना नहीं सकता, इट हैपेंस. कॉमेडी इज ए सिचुएशन, कॉमेडी इज ए सिचुएशन. कभी कभी आप अपने घर में कॉमेडी बना लेते हैं. मुझे पता है कल मैं ज्योति को मिला था, ज्योति ने ऐसा किया और ज्योति के करने से आपको हंसी आई तो एक सिचुएशन बन गया. सो यू कैन नॉट क्रिएट कॉमेडी, कॉमेडी इज ए सिचुएशन. एंड उस सिचुएशन में कोई कोई चीज उस समय के लिए बेसुरा लगे वही कॉमेडी है, या सुर में आके बेसुर हो जाए बेसुरा हो जाए वही कॉमेडी है. सो फॉर मी आई हैव डन फिल्म्स, अभी हाउसफुल किया, एंटरटेनमेंट किया, देन गोलमाल किया, आई हैव डन इट एंड दे हैव बीन one of the biggest hits of those of that year. And yeah, if you ask me, yes, I'm nervous. Itne sare dangerous actors ke beech mein main phas gaya hu. Aur inse puchhiye ki main behind the curtain main kya keh raha tha usse. Yehi keh raha tha ki what a voice you have. Pehla sawal, second sawal unka ki mujhe nahi lagta hai abhi comedy ko kisi ne lightly liya. Because it has become the biggest box office now. If you have a comedy in your hand, I can guarantee you, it's a guaranteed 100 crores box office. Sir, lightly if you take it on the TV, you have one after another. It's the biggest shows. पिछले समय में कीकू शारदा जी जेल गए थे और बाकी दूसरे इश्यूज सर के पिछले पर्सनली सर तो किसी के बारे में कह नहीं सकता, लेकिन मैंने इस प्रोडक्शन हाउस को हम सब मिलकर डिस्कस किया है कि हम कोशिश करेंगे इट्स ए फैमिली शो, विल स्टैंड बाय ऑन इट. एंड हम यहाँ किसी का मजाक उड़ाने नहीं आए, किसी के बारे में गंदी बात करने नहीं आए. हम अपना एक ड्रामा करेंगे. जैसे एग्जांपल अकबर आलम, अभी अकबर आलम में अकबर साहब हैं जिले इलाही, वो क्या क्या गलती करते हैं आज के ज़माने में वो देखने लायक चीज़ है. नीलू की शादी, अभी नीलू की शादी में ये किस साल का लड़का लगता है?
आप देखिए यही है कॉमेडी, हम यहाँ तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। वी आर एटलीस्ट वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट, बट हम किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं काटना चाहते, ना कोई ऐसी बातें करना चाहते जिससे किसी को आघात लगे। उसके लिए हमने 2 साल पहले शो किया था और वो खत्म हो चुका है। खामोश। मैं गाना सुनाऊं? हाँ, उसी में गा। थैंक यू। मैं सुनील जी, आप एक काम करिए सर, मैं कि एक गाना आप नहीं सुना पाएंगे, मैं चाहता हूँ 1 मिनट में आप 7-8 गाने एक साथ सुना दीजिए। नहीं सुदेश जी, और सुदेश जी वो कर सकते हैं। आप लाइव मैं कोशिश करता हूँ कि आप मुझे कोई भी हिंदी गाना किशोर कुमार का या कोई भी एक गाना दीजिए, मैं उसके 8 गाने बना के सुनूंगा। दिए जलते हैं, और जब मैं ताली बजाऊंगा आपको गाना चेंज करना होगा। क्या पता तुम गलत जगह, तुम्हें ताल का तो पता नहीं। सर क्यों फिक्र करते हो, बहुत पुरानी आइटम है हमारी, कर देते क्या है। मैं कृष्णा के बारे में थोड़ा बता दूं, इसकी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि देखो इनके मामा गोविंदा हैं, मेरे मामा शर्मिंदा हैं, और इनको कॉमेडी की कोई नॉलेज नहीं है। इनके मामा ने सिर्फ 4-5 स्टेप सिखा के मार्केट में छोड़ दिया है। कॉमेडी तो चलो सीख जाएगा थोड़े दिन। चलो ताली ताल पे मारा, मुझे याद है। हाँ भाई, दिए जलते हैं। हाँ, दिए जलते हैं फूलों का तारों का, सबका कहना है आज तुम आ गए हो, नूर आ गया, हलवा वाला आ गया, हलवा वाला आ गया। बाकी इसने कोशिश बहुत की है गलत जगह ताली बजाने की, लेकिन फिर भी क्या करें, टैलेंटेड बंदे हैं। अपनी अपनी स्टाइल का कौन है। सवाल एक ही है कि सुगंधा, आपसे शुरुआत करके तानाजी तक, अगर अपने अपने स्टाइल में जो आप जिसके लिए आप जाने जाते हैं, अगर थोड़ी थोड़ी चीजें अगर हमारे लिए कर डालें। उनका मतलब है कि ये ना हो कि एक ही बंदा बोले, सबको मौका दे रहे हैं। उनको भी थोड़ा आप अपने स्टाइल एक लाइन गा दो, फिर कृष्णा जी, कृष्णा तुम तुम्हारे स्टाइल में, तुम्हारे जी अली भाई, मैं भी गाऊं, जो भी जिस चीज के लिए आप। सर लड़की में बोल दे, लड़की में बाराना दे, बाराना दे, बाराना। हाँ, बोलो। बोल। मेरा तो अपना स्टाइल कोई है नहीं, बस दूसरों का लिया हुआ थोड़ा बहुत है इधर उधर का, बाकी मैं बोलूंगी तो आप बोलोगे कि बहुत प्यार दो, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, और यही कहूंगी संकेत। मैं तो जाना चाहता हूँ, ये मुझे सुन के अच्छा लगा पहली बात तो। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि सॉरी बाबा, इनका शो आ रहा है, इनको बहुत ज्यादा प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार लो तो गाना है ना। तो कैंसल, इनका शो देखो और हंसो, हंसो हंसाओ, ये भी गाना है ना। देखो हंसो बोला तो खासो हो गए। तो ठीक है, एक मिनट वापस, ये पूरा कट कर दो सब वापस। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सच में मत करा कट। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ड्रामा कंपनी करके हमारा नवा शो आ रहा है, That is on Sony TV. 16 जुलाई से
रात के 8 बजे रात के 8 बजे शनिवार रविवार शनिवार रविवार मतलब 9 बजे तक फ्री हो जाओगे आप लोग जो भी तुम्हारा प्रोग्राम है वो पहले फटाफट आया और पीछे की बैग भी रख दो फटाफट टीवी लगा के बैठ जाओ ऐसा तो कंटिन्यू करो आई लव माय कंट्री एंड फरहान आपसे कुछ बोलेंगे बस आप देखिए एंड एंजॉय द शो शाम को 8 बजे सैटरडे संडे इस बच्चों के साथ दादा दादा नहीं आप ये साड़ी देना मैं बिना गेटअप के बोली नहीं सही सलमान 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 प्लीज शाम को 8 बजे शनिवार की रात को ये प्रोग्राम हमारा है जो ड्रामा कंपनी देखना ना बोली अपने बच्चों के साथ बड़ों के साथ क्योंकि इसके अंदर जो है सर बिल्कुल भी ऐसे बलगैजी नहीं है सर एंड एंजॉय द शो थैंक यू मोर क्वेश्चंस अरे कुछ बोलो बुला लिया गया हूँ करने के लिए यहाँ पे लाइटिंग ऊपर ही खड़ा रहूंगा मेरे को कुछ और आता ही नहीं ना मैं ना ये कर सकता हूँ ना वो कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ मैं वही करूंगा खुश रहूंगा अली भाई मैं क्या करूँ सबसे पहले तो दादा बहुत अच्छा लगा आपके साथ स्टेज शेयर करके आपको कैसा लगा बहुत अच्छा थैंक यू लव यू रिधि हेलो वेलकम टू द ड्रामा कंपनी अब सब सबका नकल उतार रहे हैं तो मैं भी क्यों चुप रहूं मुझे भी आती है नकल उतारनी ये कौन है सच में आपने गेस नहीं किया नहीं हेमा जी इससे अच्छा तो मैं करता हूँ सोचने वाली बात तो ये है किसका अच्छा था दादा लव यू दादा मैं ओरिजिनल थी हाँ तो तुमने मेरा कॉपी किया आपका श्रीदेवी 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 वो बाबा बोल रहा करने भैया भैया आप पैसे नहीं तो क्या हुआ चलेगा बाद में ले लूंगी दिस इज ओके सुदेश तो कर चुके हो ओके विल टेक लास्ट टू क्वेश्चंस नमू दादा खुली एक करेक्टर है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा लंबा खुदे शायद आपने देखे नहीं होंगे मतलब लोगों को मैं बोलता हूँ लंबा फेंकता नहीं मैं लंबी लंबी उड़ाने लेता हूँ कि वर्ल्ड के ऐसे कोई आदमी नहीं है जिन्हें मैं जानता नहीं और वो किरदार देखने के बाद आपको पता चलेगा कि शंभू दादा कौन है आपको गेस करना होगा कि मैं किसी का ना किसी का तो कोई है हमारे इंडस्ट्री में जो बड़ा बड़ा फेंकता है उसी को अचानक आया कि हमारे मोहल्ले में था ऐसा ही उसको अगर कुछ बात बोलो यार मेरी एक बात मैं जब बचपन में मैं गया था वो चालू हो जाता और हमको मालूम था अभी लंबा फेंक रहा है अभी कहाँ जाए बड़ा आदमी आए उम्र वाला है चला जाऊंगा तो गली देगा नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं तो वहां से शंभू दादा अचानक आ गए भाई शंभू दादा का रोल करते हैं एवरीबॉडी इसमें भी है वो दादा का डिमांड है ये हैज टू बी एंड लेकिन सिर्फ लड़की नहीं बनेगी उसमें किरदार होंगे नया नया प्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी द यूनिक पार्ट ऑफ इट अली भाई लास्ट रिक्वेस्ट एक चिंटू ऋषि कपूर का एक झलक ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी स्पेशली मिथुन थैंक यू फॉर स्टार्टिंग चेंज विद मी और
आप प्लीज एक एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हाईएस्ट रिगार्ड्स टू संजू बाबा एंड लॉट्स ऑफ लव टू संजू बाबा. आप फंस गए. I haven't seen Neel Nitin Mukesh kar rahe. Agilio hai wo teen naam wala ho. Aur uska naam hai. Bolo. Dada. Aur uska naam hai. Neel Nitin Mukesh. Right. Nahi aap bolo. Wrong. Neel Nitin Nidesh. Thank you, love you, Baba. Thank you. But मैं इतना ही चाहूँगा कि they are all fantastic actors. सब मिलके अच्छी तरह से काम करें. मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है. इतनी कम उम्र में कम लोगों के साथ बैठकर सीखूँगा. हंसने की क्या बात है? क्या मैं क्या लगता है? चलो, ready? And चलो, okay. Thank you very much. Let's go sit down. चालू है. अच्छा सुनो, बूम माइक लगा रहे हैं. ये ड्रामा कंपनी सबसे अलग होगा. ऐसा शो आज तक आया नहीं और आगे का मैं बोल नहीं सकता. ऐसा शो होगा, आज तक सबने ये देखा है, सुना है फिल्मों में या लोगों के एक्टरों के मुंह से सुना है कि मैंने थिएटर किया है, मैं थिएटर का कलाकार हूँ. पब्लिक घर पे देखेगी कि थिएटर क्या होता है, थिएटर में गलतियां क्या होती हैं, उन गलतियों से कॉमेडी कैसे निकलती है. ये कॉमेडी शो सर, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो ना. और हम दोनों खड़े रहेंगे. खड़े रहेंगे. सिट सिट, बैठो. हम दोनों लंबे भी आज भी आ भी जाएंगे. बैठो बैठो. सिट. अरे बैठो, आ जाओ. अरे बैठो संकेत. बैठो. अच्छा लग रहा है संकेत. संकेत बैठो. या हां बैठो. हां ओके. तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये सब शंभू दादा बताएंगे. क्या चल बता शो शो के बारे में बता. मैंने यही बताया है कि ये थिएटर आपको टीवी पे देखेंगे, आप थिएटर के थिएटर में गलतियां क्या होती हैं, असल थिएटर क्या होता है, ये नेचुरल कॉमेडी जब स्टेज पे देखेंगे वो आपको बड़ा मजा आएगा. बहुत अच्छा. ये माइक अभी दिया, दोबारा बोलो. नहीं ठीक है. और रिहर्सल हो गई थी अभी. टेक दो शो थोड़ी, बहुत सारे शो है सोनी पे. सी कोई कॉम्पिटिशन नहीं, हम किसी और शो को डिस्कस नहीं करते. फिलहाल हम इसी शो को अच्छा बनाने के टेंशन में भी हैं और एक्साइटमेंट भी है. सारे इमोशंस जो हैं वो एक साथ आ गए हैं अभी और इसी शो पर ध्यान है हमारा. और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा चैनल है और सेम टाइम स्लॉट है तो फिर कंपटीशन होता है. तो अभी फ़िलहाल आप सोचिए कि सोनी पर ही सबसे ज़्यादा आपको कॉमेडी मिलेगी. ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे आप लोग कह रहे हो वो दूसरे की जो बेटी थी वो तो अमेरिका गई, आपकी कहाँ जाएगी. तो आप मेरी बेटी की शादी मुझे मुबारकबाद दो, मेरे शो की मुबारकबाद दो, हमारा शो हिट हो. हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, सबके शो हिट हैं, हिट रहेंगे, लेकिन हमारा शो बहुत सुपर डुपर हिट होगा. चलो मुबारकबाद दो. मुबारक हो. हाँ मुबारक हो. मुबारक हो. मुबारक हो. मुझे मुबारक. स्ट्रेस उनका अपना होगा, जो भी उनकी वो शूटिंग्स चल रही हैं, फिल्म की भी शूटिंग चल रही है और हम लोग अपनी रिहर्सल्स में बिजी थे, वरना हम जाते मिलने के लिए, क्योंकि पर्सनली तो हम सब एक दूसरे के लिए केयर भी करते हैं. और हम भी चाहते हैं, हम भी ये भी चाहते हैं कि कपिल का भी शो बढ़िया चले, उनका भी शो चले और हमारा भी शो चले. सारे कॉमेडी एंटरटेनमेंट जो एंटरटेनिंग शोज होते हैं वो सभी चलने चाहिए, उनसे सभी को फ़ायदा होगा, सारे एंटरटेनर्स को फ़ायदा होगा. हाँ मैंने मैसेज किया था, बिकॉज रिहर्सल चल रहे हैं उसकी वजह से जा नहीं पाया एंड ही रिप्लाइड बैक थैंक यू करके. वो सब फियर हम क्यों लेकर के चले हैं? मतलब हमको अभी फ़िलहाल अपनी स्क्रिप्ट बनानी है, हम अपने स्क्रिप्ट में अपने कैरेक्टराइजेशन में ज़्यादा बिजी है उसकी. अब ये देखो फ्रैंकली कंपैरिजंस वगैरह इंटरनली कुछ नहीं होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो लोग कहते हैं. बिल्कुल हमारे लिए वो भी कलीग है, हम भी कलीग है,
सबसे अच्छी बात ये 8 बजे में आ रहे, 9 बजे आ रहे, ऑडियंस को डबल डोज ऑफ कॉमेडी मिलेगा, तो आई थिंक पीपल शुड एंजॉय दैट मोर. मुझे लगता है इट्स वेरी चैलेंजिंग, इतना आसान नहीं है. जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा लगता है कॉमेडी करना बहुत आसान है. आई थिंक इट्स अ चैलेंज टू मी बिकॉज मैं दूसरे और किसी जॉनर में हूँ, और उससे बाहर आके कुछ करना और ऐसे अच्छे कलाकारों के साथ हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा. एंड फॉर मी इट्स अ चैलेंज, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नर्वस हूँ, क्योंकि कॉमेडी इज जस्ट इट जस्ट लाइक दिस, इट्स जस्ट दैट यू मिस द रिफ्लेक्स, यू लेव मिस्ड इट. अगर उस इसमें मैं अपने आप को समा पाऊँ, इसमें मैं अपने आप को अच्छी तरह से इनकी तरह इनको सभी को लेकर एक अच्छी मतलब कोई भी नाटक जो इन लोग करने जा रहे हैं उसे अच्छी तरह से पेश कर सकूं, इससे बड़ा आनंद मुझे क्या मिलेगा. तभी कोलकाता में मेरी उम्र कब देखिए, अभी ये बोल के तो मेरी अभी पता चल जाएगा मैं क्या हूँ. तो मैं जैसे इस डमा कंपनी में फेंकता हूँ तभी मैं अमेरिका से 10-11 साल का होगा. एक्चुअली आई यूज्ड टू डू मोर ऑन इट्स नॉट अप टू अस, इट्स अप टू सोनी. या इट्स अप टू द चैनल, चैनल करेगा तो हम खुशी खुशी सब करेंगे, साथ में करेंगे. मैं एक बात बताऊं कि ये बहुत सारे सवाल यही करेंगे कि वो आज नहीं तो कल तो लोग कंपेयर करेंगे वो शो और ये शो, लेकिन मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू आस्क मी वेरी फ्रेंकली ये सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, एंड कपिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड टैलेंट वी हैव इन द कंट्री. ही शो इज़ वेरी बिग, ह्यूज ह्यूज. अगर हम थोड़ा सा भी उनकी तरह हो जाए, आई थिंक वी हैव डन अ ग्रेट जॉब. कॉमेडी में कोई अंतर नहीं होता, वो भी एक एक ही टाइमिंग, दिस इज ऑल्सो टाइमिंग. चेंज जो हुआ है जनरेशन चेंज हो गया, उधर का एक जनरेशन था, अभी एक जनरेशन, आज ये जो करते हैं आज की तरह करना पड़ता है. और उस समय जगदीप जी थे, जॉनी वॉकर जी थे, वो अपने हिसाब से करते थे. अभी आज के टाइम के साथ ये जो बच्चे देख रहे हैं ये आज की तरह चलते हैं, टाइमिंग में चेंज नहीं होगा. एक्टिंग इज ऑल अबाउट टाइमिंग, कि सूर 1, 2, 3, 4, 4 से आधा हो गया तो हम मिस कर गए, और बराबर ताल पे गिरे तो बहुत अच्छा. हाँ, तो हम तो सब चाहते हैं कि सुनील ये शो बिल्कुल ज्वाइन करें, बिकॉज सुनील बहुत बढ़िया करते हैं. और आई थिंक वो प्रीति आपको करेक्ट बता पाएंगी, प्रीति नीति बताएंगे आपको करेक्ट कि कब ज्वाइन करेंगे वो. वो हमको सबको गुड लक विश करने के लिए आए थे जब पहला एपिसोड था, तो सुनील वॉज हियर जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो बहुत गुड लक देकर गए सुनील. हाँ, भारती को ये शो ऑफर नहीं हुआ था. हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ था. हाँ, मैं इतना बोर कर चुका हूँ, और दोबारा बोर होना चाहते हैं भाई? 300-350 से ज़्यादा फिल्में हो गई, जिसे 200 फिल्में मैं खुद अपने देख नहीं पाता, लेकिन कुछ कुछ है जो लैंडमार्क है, इसीलिए सस्टेन कर गया इतने सालों तक.